नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज, मैं तुषार आपके साथ। लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के विवादित बयान पर बवाल मच गया है। कांग्रेस को लेकर टीएमसी और आप ने इस बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। साथ ही लोकतंत्र लोकसभा स्पीकर से रमेश बिधूड़ी पर कार्यवाही की मांग भी की गई है। इस बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बीजेपी सांसद ने जिस अमर्यादित असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है वह घोर आपत्तिजनक और निंदनीय है। यह अमृतकाल नहीं बल्कि विषकाल है। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से शुक्रवार 22 सितंबर को ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की समृद्धि संसदीय परंपराओं के विरुद्ध ऐसी वृत्ति सामाजिक राजनीतिक संस्कृति को जन्म दिया है जिसमें इनकी एक सांसद राष्ट्रपति गांधी जी के हत्यारे आतंकवादी का महिमा मंडन करती है। पीएम के इशारे पर एक बीजेपी सांसद पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष के एक सांसद के लिए जिस अमर्यादित असंसदीय और तुच्छ भाषा का प्रयोग कर रहा है वह घोर आपत्तिजनक निंदनीय एवं लोकतंत्र व समाज के लिए चिंताजनक है। यह इनका अमृतकाल नहीं बल्कि विषकाल है। जी हाँ, इसी कड़ी में आगे चलते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने पोस्ट किया, इंसान की पहचान चेहरा नहीं जुबान होती। सत्ता के नशे में बेसुध बीजेपी के सांसद की ओर से विपक्ष के एक अल्पसंख्यक सांसद को अति अभद्र तरीके से संबोधित करना किसी आपराधिक घटना से कम नहीं है। ये बीजेपी की नकारात्मक राजनीति का निष्कृष्टम रूप है जिसमें अन्य भाजपाई सांसदों का हंसते हुए सम्मिलित होना दिखाता है कि ये किसी एक भाजपाई की गलती नहीं है बल्कि ये बीजेपी के अधिकांश सदस्यों की निर्लज्जता का भीषण प्रदर्शन है। सपा अध्यक्ष ने पोस्ट में आगे लिखा, ऐसे सांसदों पर किसी भी प्रकार की संसदीय विशेषाधिकारों की छूट से परे किसी एक सांसद को नहीं बल्कि पूरे संसद और संविधान की मानहानि करने का मुकदमा होना चाहिए और ताउम्र की पाबंदी लगानी चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी ने लोकसभा में बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल करने के मामले में अपने एमपी रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निर्देश पर पार्टी ने दिल्ली से लोकसभा के अपने सांसद रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब दर्शकों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट टाइम न्यूज। धन्यवाद।